नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इस दिन होगी G20 समूह की बैठक। विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक के लिए बन रही व्यवस्था। बिहार में शराबियों को एक बार से ज्यादा पीते पकड़े गए, पड़ेगा भारी। तेजस्वी यादव को नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। ये खिलाड़ी बना दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में इस दिन होगी G20 समूह की बैठक। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना में भी G20 समूह की बैठक होने वाली है। इसके लिए नीतीश सरकार की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पटना में यह बैठक 22 और 23 जून को होने वाली है। इसके लिए सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का चयन किया गया है। मालूम हो कि इसकी तैयारी करने का जिम्मा बिहार सरकार की ओर से कला संस्कृति एवं युवा विभाग को दिया गया है। इस बैठक को लेकर राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा बैठक भी आयोजित की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 1.5 दर्जन से अधिक देशों के प्रतिनिधि बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। मालूम हो कि यहां आने वाले प्रतिनिधियों को बिहार के प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। तेजस्वी यादव को नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा समन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दी गई अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई। बता दें कि इस अर्जी पर CBI के द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। हालांकि तेजस्वी यादव को कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं दी गई और निर्देश देते हुए कहा गया कि अब वह 25 मार्च को CBI के सामने पेश होंगे। वहीं जांच एजेंसी के द्वारा भी यह साफ कर दिया गया है कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, उन्हें केवल कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे। बता दें कि इस दौरान तेजस्वी के वकील की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वे विधानसभा के बजट सत्र के चलते पूछताछ के लिए नहीं जा सकते, जिस पर कोर्ट ने उस दिन की तारीख तय की जिस दिन विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलती। विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक के लिए बन रही व्यवस्था। राज्य में विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की व्यवस्था नहीं होने से विवादित जमीन की भी रजिस्ट्री हो जाती है और फिर दाखिल खारिज के दौरान यह बात निकलकर सामने आती है कि जमीन विवादित है। इसके बाद ही नियमानुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है और अंचलाधिकारी कार्यालय से दाखिल खारिज होने के बाद भी उसे रद्द करने के लिए अपीलीय कोर्ट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला अवर निबंधक गया से पत्रचार कर जानकारी मांगी गई है। वहीं इससे जुड़ी सारे मामले की जांच अपर समाहर्ता के माध्यम से की जा रही है। ऐसे में जांच में जो भी राजस्व कर्मचारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज। यूट्यूबर मनीष कश्यप व युवराज सिंह के खिलाफ तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हिंसा की अफवाह फैलाने को लेकर बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद बिहार पुलिस के द्वारा दी गई है। बिहार पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन दोनों यूट्यूबर पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 03/23 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया है। इनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है। इसके अलावा मनीष कश्यप के बैंक खाते में उपलब्ध कुल 42,11,937 रुपए को फ्रीज कर लिया गया है। इसके साथ ही मनीष कश्यप 43 ट्विटर हैंडल पर मनीष कश्यप की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए असत्य अफवाह जनक एवं भ्रामक संदेश फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 05/23 अंकित किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। कांड का अग्रतर अनुसंधान जारी है। बिहार के 45 स्टार्टअप में 16 नामी निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी। उद्योग विभाग के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बी हब में बिहार कनेक्ट 23 इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के विभिन्न संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए 45 स्टार्टअप में देश के 16 नामचीनों के द्वारा अपनी रुचि दिखाई गई है। हालांकि इन 45 स्टार्टअप पर आज यानी कि गुरुवार को संस्थानों और इन्वेस्टरों के बीच संवाद करने के बाद अंतिम रूप से निवेश पर मुहर लगा दी जाएगी। मालूम हो कि जिन स्टार्टअप में निवेशकों के द्वारा रुचि दिखाई गई है उनमें ड्रोन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लॉजिस्टिक, एग्रो मशीन समेत कई अन्य स्टार्टअप शामिल है। वहीं जिन जिन संस्थाओं के द्वारा निवेशकों के समक्ष प्रस्तुति दी गई थी उनमें सत्तू, रमानिका स्टार्टअप, फाइ समेत कई संस्था मौजूद है। नगर निगम में बैनर पोस्टर लगाकर 500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू का योजना। अगर आप भी राज्य में नगर निगम परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में विज्ञापन लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी और साथ ही कुछ राशि भी अदा करनी होगी। बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन बिहार विधानसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार की राजधानी पटना में ऐसे 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई है जिन्होंने बिना अनुमति के पोस्टर और विज्ञापन लेखन करने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि हमें इस बात की चिंता थी कि विज्ञापन लगाने से हमें रेवेन्यू नहीं मिल पाता था। इसी को देखते हुए हमने एक नई नियम बनाए जिससे सरकार को राजस्व मिल सके। इसके लिए अलग से लाइसेंस की भी व्यवस्था की गई है। वहीं अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रेट निर्धारित किया गया है। अगर इन सभी प्रक्रिया से प्राप्त रेवेन्यू की बात करें तो सरकार को इससे कम से कम 500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू मिलेगी। बिहार में शराबियों को एक बार से ज्यादा पीते पकड़े गए पड़ेगा भारी। अब बिहार में अगर शराबी एक बार से ज्यादा पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल अब राज्य में शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों का आधार नंबर दर्ज कर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसके बाद अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के आधार सत्यापन का मिलान तैयार किए गए रिकॉर्ड से किया जाएगा। और अगर मिलान के दौरान यह पाया जाता है कि व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा गया है तो उसे 1 वर्ष के कारावास की सजा दे दी जाएगी। बता दें कि इसके लिए जिला मुख्यालय समेत पटना जिला में 5 स्थानों पर आधार ऑथेंटिकेट करने वाली मशीन लगाई जा रही है, जिसे अगले 1 सप्ताह में राज्य के सभी उत्पाद एवं मद निषेध कार्यालयों में लगाकर चालू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि पूरे राज्य में इस तरह की कुल 42 मशीनें लगाई जाएंगी। NMCH के लापता डॉक्टर से जुड़ा मिला अहम सुराग। पिछले कई दिनों से लापता NMCH के लापता डॉक्टर को लेकर पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जब से डॉक्टर को लेकर इनाम घोषित किया गया है तब से कई सारी जानकारी सामने आई है। हालांकि SSP राजीव मिश्रा का कहना है कि अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। बता दें कि गांधी सेतु पर मिले उनकी कार का फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार कार के अंदर जो भी सामान पाए गए थे उन सभी सामानों पर एक ही व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मौजूद है। CCTV फुटेज में भी डॉक्टर अकेले ही दिखाई दिए थे। वहीं IMA के द्वारा बीते दिन प्रेस रिलीज कर कहा गया है कि डॉक्टर संजय कुमार के फोन की भी फॉरेंसिक जांच की जाए, उससे जरूर कुछ मदद मिल सकती है। बिहार में घरेलू उत्पादों को मिलेगी प्राथमिकता। बीते दिन बिहार विधानसभा में बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा अपनी परचेज पॉलिसी में सुधार किया गया है, जिसके तहत नए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभाग, संस्थान और निकाय स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इन वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि इसके तहत बड़े व मझोले उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों को राज्य के बाहर की तुलना में 2% और छोटे उद्योग के उत्पादों को 7% मूल्य की वरीयता दी जाएगी। इससे न केवल राज्य के घरेलू निर्माताओं और आपूर्तिकर्ता को बल मिलेगा, बल्कि एक तरफ जहां राज्य में रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी तो वहीं दूसरी ओर लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। वैशाली की सांसद वीना देवी ने PM मोदी से मुलाकात कर की मांग। बीते दिन यानी कि बुधवार को बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से सांसद रही वीना देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने PM मोदी के सामने मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे की मांग की और कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी हवाई अड्डे के मैदान पर मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा शुरू करने का आश्वासन अपने भाषण में दिया था। बता दें कि वीना देवी का PM मोदी से मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश भाजपा की आंतरिक तैयारी है कि वैशाली सीट पर भाजपा अपने सिंबल से चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल वीना देवी लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस में है। मालूम हो कि इस मुलाकात के दौरान वीना देवी के साथ उनके पति JDU MLC दिनेश सिंह, बेटी कोमल सिंह और बेटा शुभम सिंह मौजूद रहा। BPSC की अधिकतम उम्र सीमा पर प्रेमचंद्र मिश्रा ने की मांग। बीते दिन बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सत्ताधारी महागठबंधन की ओर से कांग्रेसी MLC प्रेमचंद्र मिश्रा के द्वारा बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर मांग की गई। बता दें कि प्रेमचंद्र मिश्रा ने सदन में अपनी यह मांग नीतीश सरकार के सामने रखी। दरअसल प्रेमचंद्र मिश्रा की मांग है कि BPSC की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 37 से 40 कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के अन्य राज्यों में अभ्यर्थियों को सुविधा दी जा रही है वैसी ही सुविधा बिहार में भी दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि कोरोना काल में अभ्यर्थियों का 2 साल का समय चला गया और इसके साथ ही बिहार में कई सत्र विलंब से चलते हैं, जिस वजह से अभ्यर्थी BPSC परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को भी बेहतर मौका मिल सके। हालांकि इस पर सरकार के द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया था कि उनकी मांग व्यावहारिक है और जायज भी है, इनके इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। प्रशांत किशोर ने BJP को दिया चोट।
चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान जनसंवाद करते हुए बीजेपी पर बड़ा चोट दिया है। दरअसल बीजेपी को उन्होंने यह चोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को याद दिलाकर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग अनावश्यक मुद्दों पर वोटिंग करते हैं। यही वजह है कि लोगों को नेता मूर्ख समझते हैं और अपना वादा पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम लोग जिन मुद्दों पर वोट करते हैं, नेता भी उसी के आधार पर अपना काम करते हैं। आप सभी ने राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, आपने मोदी जी के 56 इंच के सीना बुलेट ट्रेन वाले नारे पर वोट दिया तो गुजरात में बुलेट ट्रेन चल ही रही है। आप लोगों के कभी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर वोट नहीं करते। यही वजह है कि इन मुद्दों पर कोई सोचने को तैयार नहीं है। दिल्ली कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया को लेकर ये बोली राबड़ी देवी। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई। वहीं इसके बाद जब राबड़ी देवी से मीडिया के द्वारा पटना एयरपोर्ट से 10 सर्कुलर रोड की ओर रवाना होने से पूर्व सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पहले ईडी वाले ने परेशान किया और अब आप सभी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को बीते दिन पेशी के दौरान दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा 50,000 के मुचलके पर जमानत दी गई है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होने वाली है। ये खिलाड़ी बना दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान। 31 मार्च से शुरू होने वाली आईपीएल 2023 में ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा प्रेस रिलीज कर नए कप्तान की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का जिम्मा ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को दिया गया है। वहीं उप कप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को दी गई है। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 1 अप्रैल शनिवार को खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल का यह मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वह काफी लंबे समय से क्रिकेट से दूर है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, महमूद अंसारी, एचके मल्होत्रा, इंद्रजीत पंडित दीपक, प्रमोद कुमार सिंह, कन्हैया कुमार, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, रविशंकर, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद नौशद राजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, मोनिका सिंह, अजहर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।